शिवसेना एक ही है, मैं शिंदे गुट को नहीं मानता, मुझे कोच पर पूरा भरोसा है। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर चुनाव आयोग से ये मांग की है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक धनुष बाण पर फैसला नहीं सुनाए। मैं दो शिवसेना को बिल्कुल भी नहीं मानता, शिवसेना एक ही है। उद्धव ठाकरे ने यह साफ कहा कि जब अंधेरी उपचुनाव में या फिर अभी होने वाले उपचुनावों में शिंदे गुट ने हिस्सा ही नहीं लिया, शिंदे गुट ने चुनाव लड़ा ही नहीं, तो जल्दबाजी में शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण को फ्रीज क्यों किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके पीछे का मकसद क्या था, सुनिए। अगर कहे तो समझ लो पल भर के लिए, जिसकी संभावना कम है कि चुनाव आयोग ने ये जो हमारा सिंबल है उसका फैसला पहले सुनाया। अगर सारी बातें देखें तो हमारी साइड जो है मजबूत है, तो हमारी ओर से होना चाहिए, हमारी अपेक्षा है। लेकिन अगर उनकी ओर से हुआ और कल जाकर ये डिस्क्वालीफाई हो गए तो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई होने के बाद वो सिंबल और नाम का क्या करेंगे। और इतनी ही जल्दी उनको थी तो अंधेरे में जो उपचुनाव हो गया, उपचुनाव के बाद 2 महीने हो गए या 3 महीने हो गए, उसमें जल्दबाजी में उनको वो हमारा सिंबल वो फ्रीज कर दिया, नाम फ्रीज कर दिया, और इन्होंने तो चुनाव ही नहीं लड़ा। अब भी आज भी जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी इनका नाम नहीं आ रहा है, तो हमारा नाम और सिंबल फ्रीज क्यों किया गया, ये भी तो सवाल है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जितनी सारी बातें चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशनर ने हमको कही थी उसको दोहराता हूँ, वो हमारी जितने सारे पदाधिकारी हैं उनके शपथ पत्र एफिडेविट वो हमने वहाँ दे दिए हैं। फिर जितने हमारे पार्टी मेंबर्स हैं उनके सारे नामांकन या सब बातें आज जो है वो हमने दे दिए हैं। ये सब देने के बाद अगर जो भगोड़े हैं उनका कहना है कि नहीं हमारे पास ज़्यादा विधायक और सांसद है इसलिए पार्टी हमारी, तो फिर ये सारा प्रयास हमें इलेक्शन कमीशन ने क्यों किया, करने का आदेश दिए, तो यही हमारी एक बात थी। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कुछ लोगों के मन में एक संभ्रम है, शिवसेना को चाहने वाले, मैं तो दो शिवसेना मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। ऐसी शिवसेना या ऐसी पार्टी का भी निर्माण इसका हो नहीं सकता। अगर ऐसी पार्टी निर्माण होने लगी तो फिर कोई भी आकर पैसा फेंक कर या नहीं जरा अपन धमधाटी म्हणतो धमकी देकर पार्टी फॉर्म कर सकता है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है, तो फिर प्रजातंत्र रहा कहाँ हमारे देश में। हाँ, चुनाव आयोग ने जो कहा है मतलब उन्होंने कुछ नियम वहाँ लिखे हुए हैं, और पार्टी के इंटरनल पार्टी भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और उसके अनुसार पिछले 23 जनवरी को हमारे पार्टी में चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन हमने चुनाव आयोग को कह दिया है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो उसका उत्तर आना अभी बाकी है, तो जिस दिन उनका उत्तर आएगा हम चुनाव ले लेंगे हमारे पार्टी में। मला असं वाटतं की आता त्याच्यात आपण नको जाऊया, त्याच्यात आता जाऊया नको, हा एक मुद्दा लोकांच्या मनामध्ये जो आहे की नेमकं काय होणार, तर परत एकदा सांगतो की 16 जण अपात्र ठरण्याची शक्यता दाट आहे, कारण सगळ्या घटनातज्ञांच्या मते आणि जे काही घटनेमध्ये नमूद केलेलं आहे त्यानुसार त्याचा निकाल आधी लागावा अशी आमची अपेक्षा आहे। कारण निवडणूक आयोग काय करेल, त्यांनी काय करावं हे आम्ही सांगण्याचा माझा हेतू नाहीये, पण आम्हाला अपेक्षा आहे, कारण त्यांनी जे जे काही सांगितलंय ते सगळ्याच्या सगळं आम्ही त्यांना सादर केलेलं आहे, आणि ते सगळे गठ्ठे बघितल्यानंतर अचानक ह्यांनी गेल्या वेळेला जे गद्दार आहेत त्यांनी सांगितलं की नाही आमच्याकडे आमदार जास्त आहेत खासदार जास्त आहेत, तर असं काही म्हणजे एखाद्याला जर का ओसरी राहायला दिली तो उद्या घरावरती अधिकार सांगायला लागला असा त्याचा अर्थ झाला। 14 तारखेपासून घटना